हेलो नमस्कार मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को और सारे दोस्तों को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा लोगों को अब होने लग गया है। इस बारे में आज हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। हम समझेंगे कि एसिडिटी क्या है, क्यों हो रही है। उसके साथ मैं आप लोगों के साथ तीन ऐसे उपाय, तीन ऐसे नुस्खे शेयर करूंगी जिनसे अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। और ना सिर्फ इतना, मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल के चेंजेस बताऊंगी जिन्हें करके या तो ना फॉलो करके आप एसिडिटी से बच सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है ताकि आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरह के आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड। तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, अपडेट आपको मिलती रहे। बिना ज्यादा व्यक्त जाया किए हुए हम शुरू करते हैं अब आज का वीडियो, आज का टॉपिक हमारा जो एसिडिटी है। अब एसिडिटी जो होती है उसे हम कई नामों से जानते हैं। हार्ट बर्न कहते हैं हम, एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, गैस्ट्रिक कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, गैस की प्रॉब्लम कहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे नामों से जानते हैं। कई लोगों को ये नॉर्मल होती है कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ करके ठीक हो जाता है। कई लोगों को सीवियर होती है। जिनको ये बहुत ज्यादा होती है, सीवियर है, उनको अपना इलाज करवा लेना चाहिए। अगर वो ये नहीं करते हैं तो उससे उनको अल्सर या पेट से रिलेटेड और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को रेगुलर फीवर होना, मतलब बुखार बार बार उनको होना या फिर उनको ऐसे चक्कर आना, ये सारी चीजें होती हैं। अब एसिडिटी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? तो जब हम खाना बहुत हैवी खाना खाते हैं या बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। सही समय पर सही चीज ना खाई जाए उससे भी एसिडिटी होती है। अगर आप स्मोकिंग की आदत रखते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, आपको ठीक से नींद नहीं आती है, इनसोम्निया का अगर आपको प्रॉब्लम हो गया है तो भी हो सकती है। मेंटल अगर आपको कोई किसी तरह से टेंशन है, आप स्ट्रेस वाली लाइफ लीड कर रहे हैं जिससे कि आप रिलैक्स नहीं है तो भी हो सकती है। खाना ठीक से चबा चबा कर नहीं खाने से भी एसिडिटी होती है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि चबा चबा कर धीरे धीरे खाना खाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी है तो भी हो सकती है। इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है। इनडाइजेशन कई कारणों से हो सकता है, नींद ना पूरी होने से भी हो सकता है और कई बार किसी और कारण से भी हो सकता है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं या मासिक धर्म है उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं या नहीं करनी है या करनी है जिससे कि आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं एसिडिटी को। तो सबसे पहले अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है, कुछ लोगों की जो यू नो बॉडी की तासीर होती है वो एसिडिक बॉडी होती है और इसीलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक भी होता है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ये सारी चीजें जो मैं आगे बता रही हूँ इनसे दूर रहना चाहिए। आप बहुत भारी खाना ना खाएं, जैसे कि राजमा हो गए और उड़द की दाल हो गई, दूध के प्रोडक्ट जो हैं वो ना खाएं, मिठाइयां बहुत ज्यादा जो यू नो आर्टिफिशियल कलर्स वाली मिठाइयां हैं वो आप ना खाएं, जंक फूड जो बाहर का ये समोसा चाट ये सारी चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा तला हुआ मसाले वाला खाना ना खाएं, नॉर्मल जो घर का खाना होता है उसे आप खाएं, तला हुआ भारी खाना आप ना खाएं। और जब भी आप खाना खाएं बहुत धीरे धीरे चबा चबा कर ही आपको खाना खाना है। उससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन आधा जो है, आधे से ज्यादा बल्कि आप अपने मुंह में ही कंप्लीट कर देंगे तो फिर आपको एसिडिटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा चाय पीने के शौकीन हैं, थोड़ी सी कम कर दीजिए चाय, और खाली पेट तो बिल्कुल चाय नहीं पीनी है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो खाली पेट चाय को बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दो, और स्मोक बिल्कुल नहीं करना है, खाली पेट तो बिल्कुल नहीं करना है, और अल्कोहल भी नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह में नहीं है तो भी खाना खाने के बाद आप ज्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट के लिए हल्के हल्की वॉक पर जाएं, धीरे धीरे चले, बहुत ज्यादा ऐसे तेज तेज नहीं चलना है खाना खाने के बाद। और इमीडिएटली खाना खाते ही कभी भी आपको लेटना नहीं है, सोना नहीं है, कुछ ना कुछ गैप आपके थोड़ा सा बहुत गैप होना चाहिए सोने के टाइम में और खाना खाने के टाइम। ऐसा नहीं है कि 9 बजे खाना खा के 9:30 बजे आप सोने लग जाएंगे, उससे आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी होगा। बहुत लंबे समय तक आप अपना पेट खाली ना रखें, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी
नहीं है तो सिर्फ किशमिश खा लीजिए, उससे भी आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो थे हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब कि जिन्हें करके या ना करके हम एसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें ना हो एसिडिटी ऐसा हम कर सकते हैं। पर अगर फिर भी ये सब कुछ करने के बाद या कभी गलती से हमसे कोई चीज ऐसी हो जाए जिससे हमें एसिडिटी हो गई तो हमें क्या करना है, तो उसके लिए बारी आती है कुछ ऐसे रेमेडीज की जो हम करेंगे जब हमें एसिडिटी होगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप एक कपड़ा ले लें, सूती कपड़ा हो या मलमल का कपड़ा हो, कैसा भी कपड़ा हो आपका, मतलब सिंथेटिक कपड़ा नहीं लेना है, आप एक कपड़ा ले लें और उसे अच्छे से आप गीला कर लें, ठंडा ठंडे पानी से गीला करना है आपको, उसे गीला कर लें और फिर आपको क्या करना है कि उसे अपने पेट के अराउंड जहां जो आपका नाभि वाला एरिया है, अपनी नाभि यानी कि नेवल आपने कवर करनी है उस कपड़े से, उसको अच्छे से बांध लें अपने पेट के अराउंड और ऐसा करके आपने कुछ घंटों के लिए वो कपड़ा बंधा हुआ छोड़ देना है। ठीक है, अपना पेट कवर कर लेंगे, नाभि कवर करके उसको बांध लेंगे अच्छे से और फिर आप उसको ऐसे ही रहने देंगे कुछ एक घंटों के लिए, 2 से 3 घंटे काफी रहेंगे इसके लिए, इससे आपको एसिडिटी में रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा है, दूसरे में आपको क्या करना है, आप आधा ग्लास लें ठंडे दूध का और उसे आप पिए, उससे क्या होगा कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, मतलब एकदम से आपको आराम मिलेगा एसिडिटी में अगर आप ठंडा दूध पी लेते हैं तो। ठंडा माने फ्रिज वाला ठंडा, जो हमारा रेफ्रिजरेटर का रखा हुआ ठंडा दूध, वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है आपको, एक ठंडक प्रदान करेगा वो, जिससे कि आप में आपको एकदम से आराम मिले। तीसरा, पुदीने के पत्ते लीजिए, उनको कूटिए, उनका जूस निकालिए, उस जूस को आप पी लीजिए। एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी एक ये मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह काम करता है। और चौथा, जब आपको कभी अगर एसिडिटी है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाए आपको, ये तब के लिए है, 1 से 2 लीटर आप गर्म पानी या गुनगुना पानी पियेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक आप डालेंगे। जब भी आप ये पानी पियेंगे तो इसमें पहले नमक ऐड कर लेंगे और ये आपको रेमेडी करनी है मॉर्निंग में सुबह खाली पेट, मतलब ऐसा नहीं है कि जब आपको एसिडिटी हुई तब आप ये करेंगे, आपको इसको खाली पेट करना है सुबह और उसके बाद जब आप ये पानी पी लेंगे तो आप वॉमिटिंग करने का, उल्टी करने का ट्राई करेंगे, किसी तरीके से आपको उल्टी आ जाए। जब आपको उल्टी आएगी तो आपको एक खट्टा सा पानी निकलेगा, थोड़ा कड़वापन लगेगा आपको अपने मुंह में, जब आप बाहर निकाल रहे होंगे तो बेसिक आप वो एसिड अपने पेट से बाहर फेंक रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा अगर ये भी आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा है कि मैं 1-2 लीटर पानी पीऊं नमक डाल के और उसके बाद फिर मैं उल्टी करने का ट्राई करूं, तो आपके लिए एक और सिंपल तरीका है इसी रेमेडी को करने के लिए। क्या करना है आपको, आप 1 या 2 ग्लास पानी ले लीजिए, गुनगुना पानी ही लेना है, लेकिन 1 या 2 ग्लास पानी पीजिए और उसके बाद आप ब्रश कर लीजिए। जब आप ब्रश करेंगे तो ब्रश करने से जब आप टंग क्लीन करेंगे अपनी, उससे ये जो आपका पानी है ये बाहर निकलेगा और उससे वो जो खट्टा पानी या कड़वा पानी जो हमारा होता है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो ये था एसिडिटी के बारे में मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको बताने का, एसिडिटी को किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें ना हो, अगर हो गई है तो उसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट तरीके बताए हैं जिनसे आप एसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें से 3 ऐसे हैं जो आप जब भी एसिडिटी हो कर सकते हैं। 1 है जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों के लिए है, तो वो सुबह ही करना है और खाली पेट ही करना है, उसको आप कभी भी करें ऐसा नहीं है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया किन किन कारणों से हमें एसिडिटी होती है, तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वैसे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, कभी हो जाए तो रेमेडीज भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह के बहुत सारे और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, stay strong, stay healthy, stay safe, bye bye.